हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड के हिंदी के मॉडल पेपर को। अभी इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्ट्स का देख लिया था मॉडल पेपर, उसका पूरा सॉल्यूशन, और आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस और कॉमर्स के सॉल्यूशन को देखेंगे बिहार बोर्ड को। तो हम लोग एक से शुरू करेंगे और पूरे 100 तक ऑब्जेक्टिव को करेंगे, तो इसलिए आप लोग क्या करिएगा, बने रहिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि आपको सही सही सबका सटीक आंसर मिल जाए। और यह कौन सा है, 2021 वाला एनुअल है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो सबसे पहली बात कि आप लोग जितने भी लेखक हैं सबका नाम याद कर लें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो इसका आंसर होगा अर्धनारीश्वर का रामधारी सिंह दिनकर। और देखते हैं आप दूसरे क्वेश्चन को, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है। शिक्षा शीर्षक जो है उसके संभाषण के वक्ता कौन है, उसके बोलने वाले कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण उसके वक्ता थे। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, मलयज का मूल नाम पूछा है, ठीक है। मलयज जो थे उनका मूल नाम, उसका वास्तविक नाम क्या था। तो उनका वास्तविक नाम था भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन ए है भरत जी श्रीवास्तव राइट आंसर। अब अगला देखिए, प्रगीत और समाज जो है किस विधा की रचना है, ठीक है, इसका विधा पूछा है। विधा कहने का मतलब जैसे एकांकी हो गया, निबंध हो गया, कहानी कविता, तो किस टाइप का था प्रगीत और समाज। तो प्रगीत और समाज एक निबंध था जिसमें आलोचना होता है, ठीक है, आलोचना करते हैं। तो इसमें देखिए आलोचनात्मक निबंध, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आलोचनात्मक निबंध। देखिए अगला क्वेश्चन पांचवा नंबर है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था इसमें भी सेम पूछा है कि इसका किस टाइप कौन सा है, मतलब इस चीज में किस चीज पे जोर दिया गया है, कर्म प्रधान, भाव प्रधान, चरित्र प्रधान या फिर धर्म प्रधान। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए कर्म प्रधान। तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छठा क्वेश्चन है हमारा, सिपाही की माँ, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। देखिए फिर एक रचयिता से क्वेश्चन आ गया, तो सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता है ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर मोहन राकेश। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम पूछा है, तो उनके माता का नाम था दमयंती देवी और पिता का नाम था किशोरी लाल। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह जो थे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, उनका जन्म कब हुआ था, 28 सितंबर 1907, ठीक है, उनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907। और उनका मृत्यु कब हुआ था, 23 मार्च 1931, उनकी फांसी लगा दिया गया था। राजदेव, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को एक साथ ही, ठीक है, तो आप लोग वो भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। तो इसका जन्म हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नौवां, सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया। सदानीरा में जो बोलते हैं कवि, तो किस नदी के मेनली ऊपर उनका वो है कविता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा। गंगा नदी को मध्य में रखते हुए उन्होंने यह बनाया हुआ है। अगला देखिए धांगर, धांगर शब्द का अर्थ आरोह भाषा में क्या है, ठीक है। धांगर कहने का मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, धाकर है, ठीक है, तो मतलब जो कि थोड़ा बलशाली आदमी हो। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, भारी शरीर का आदमी, धांगर कहने का मतलब भारी शरीर का आदमी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी। आप सभी को पता होगा कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था अंग्रेजों के विरुद्ध, तो उसमें जो उन्होंने जितने भी महान कार्य किए थे उनको एक लिखा गया, तो किसके द्वारा लिखा गया था। तो सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, कहीं पे ऑप्शन में राजेंद्र बाबू भी रहता है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम है प्रभावती देवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रभावती देवी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है। करबक जो है हमारा काव्यखंड का पहला चैप्टर, उसके शीर्षक के कविता के कवि का नाम पूछा है, तो कवि का नाम हो जाएगा जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने करबक को लिखा है। अब देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि है, यानी कि सूरदास ने जो जितने रचना किए हैं वो किस भाषा में मेनली किए हैं, तो ब्रज भाषा में किए हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रज भाषा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। छत्रसाल दशक के रचनाकार का नाम पूछा है, तो हो जाएगा भूषण, ऑप्शन नंबर सी भूषण सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है, जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी। जयशंकर प्रसाद जो लिखते थे वो किस भाषा में लिखते थे, तो वो लिखते थे खड़ी बोली हिंदी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली हिंदी।
तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तुमुल कोलाहल कला जो है उसमें शीर्षक का नाम पूछा है, तो ऑप्शन होगा ए जयशंकर प्रसाद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? हेनरी लोपेज कांगो के रहने वाले थे, ठीक है, कांगो अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो कवि भूषण जो थे उनको राजा रुद्र शाह ने भूषण का उपाधि दिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजा रुद्र शाह। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक कैसी कविता है, तो एक व्यंग्यात्मक कविता है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अब देखिए 21, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? तो जूठन के हेडमास्टर का नाम था कलीराम, जो कि उस पर जुल्म करता था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जय कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? तो जय कृष्ण मूर्ति को हम लोग मेनली महामनीषी के रूप में देखते हैं, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? नामवर सिंह लेखन जो करते थे उससे पहले वह ना एक पत्रिका में संपादक का काम करते थे, तो वह सारिका पत्रिका आता था जिसमें वह संपादक का काम करते थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो आप लोग ऐसे भी याद रखेंगे इसको, हिंदी साहित्य का सूर्य, और सूर्य से बना है सूरदास, ठीक है, सूर्य से बना है सूरदास, ऐसे करके इसको याद रखिएगा। तो हिंदी साहित्य के सूर्य को सूरदास को सूर्य कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है मतलब चांद में बहुत सारा गुण दोष हम लोग निकालते हैं ना, तो इसमें जो बोल रहे हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा है ऐसा किसने बोला है? तो ऐसा बोला है गजानन माधव मुक्तिबोध, उनका कविता संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है। 25, अब देखिए 25-26 से आ गया व्याकरण का क्वेश्चन। पहला व्याकरण का क्वेश्चन है, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद से आप लोगों ने देखा था कि आर्ट्स में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था और साइंस और कॉमर्स वाले में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो इसपे आप लोग अच्छे से पकड़ बना ले, तो इसका हो जाएगा सही आंसर या है। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, या वाला जब भी आएगा तो ई और आ देखेंगे, किसके अंत में ई हो और उसके पहले आ हो, देखिए ऑप्शन नंबर बी में इति जोर आदि इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 27 है, गायक शब्द का संधि विच्छेद पूछा है, तो गायक में अब क्या है, य है, इसमें था या और इसमें आया य, तो य के लिए होता है ए जोर अ, तो देखिए ए जोर अ का किस में है, हमारा ऑप्शन नंबर ए में है गे, यानी ग में क्या है ए और अ को अक, ठीक है, ए और अ से मिलकर बना है य, तो गायक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद पूछा है, परमार्थ यानी कि देखने से क्या लग रहा है, दीर्घ संधि लग रहा है क्योंकि आकार की मात्रा आया है, तो परम जोर अर्थ करेंगे तो क्या आ जाएगा परमार्थ, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद विद्या जोर अर्थी, तो ऑप्शन नंबर विद्या बी में है, विद्या जोर अर्थी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा? दुर्गम और कहने का मतलब, दुर्गम मतलब जो खराब हो और सुगम मतलब जो कि बढ़िया हो देखने में, तो सुगम हो जाएगा इसका सही आंसर, विलोम मतलब उल्टा, ठीक है, तो विलोम और समानार्थक में आप लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें पूछ क्या रहा है, तो दुर्गम का हो जाएगा सुगम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा? अनुकूल शब्द का विलोम होगा प्रतिकूल, अनुकूल मतलब हम लोग उसमें ठीक ठाक है, प्रतिकूल मतलब हम लोग की अपोजिट कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, आरोही शब्द का विलोम पूछा है, ठीक है, आरोही शब्द का विलोम क्या होगा? आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, अब उनका उसको उल्टा क्या होगा, घटते क्रम यानी कि अवरोही, तो आरोही का आंसर हो जाएगा अवरोही, ऑप्शन नंबर ए। विराग शब्द का विलोम, देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है विलोम से और समानार्थक से, तो आप लोग के पास जो भी व्याकरण का किताब हो उससे पूरा का पूरा आप लोग क्या कर ले, रट ले, याद कर ले विलोम को और समानार्थक को। विराग का पूछा विलोम, तो विराग का क्या होगा, विराग का होगा अनुराग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, आंखों का तारा होना, बोलते ना कि ये हमारा आंखों का तारा हो गया, यानी कि बहुत ही ज्यादा हमसे क्लोज हो गया है, यानी कि प्रिय होना, ठीक है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय होना, मुहावरा भी बहुत सारा है तो आप लोग मुहावरे को भी याद करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा यानी कहना, तो ऊंट क्या होता है बड़ा सा जानवर होता है, और जीरा क्या होता है इतना छोटा होता है, तो ऊंट के मुंह में हम लोग जीरा देंगे यानी कि कुछ नहीं दे रहे, नेग्लिजिबल चीज है ना, तो ऊंट के मुंह में जीरा देना मतलब कहने का मतलब बहुत ही कम देना, ठीक है, बहुत ही कम देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, कान काटना,
कान काटना, जैसे बोलते हैं कि देखो उसका कान काट लिया, यानी क्या चतुर होना, एकदम उसमें चालाकी से उसका कान काट लिया, यानी कि देखो चतुर होना इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी का भी मतलब लॉस करवा देना या फिर कुछ अपना ब्रेवरी से काम लेना। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घी के दिए जलाना, नॉर्मल जब हम लोग घर में जब शाम में जलाते हैं, हम लोग मम्मी जो जलाती है क्या होती है, तेल में जलाती है, और जब कोई फेस्टिवल आता है, ओकेजन आता है, खुशी का माहौल रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, घी में जलाते हैं पूजा वगैरह में, यानी कि हम लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं उस टाइम। तो हम लोग का इसका मतलब हो जाएगा मुहावरे का प्रसन्नता व्यक्त करना, घी के दिए जलाना मतलब प्रसन्नता व्यक्त करना। क्वेश्चन नंबर 38 है, नगर शब्द का विशेषण क्या होगा? विशेषण कहने का मतलब जो उसकी विशेषता को बताए, ठीक है, जो अब देखो नगर का हम लोग को विशेषता ढूंढना है, नगर से विशेषता क्या बनेगा, विशेषण क्या बनेगा, तो नगर का क्या बनेगा, नागरिक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नगर से क्या बोलते हैं, यहाँ का नागरिक है, यानी कि उस नगर का रहने वाला है। अब रंग का विशेषण, रंग शब्द का विशेषण क्या होगा, तो रंग से क्या हम लोग बनाते हैं, ये रंग है तो रंगीन है, तो रंग से बनेगा रंगीन, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, पत्थर शब्द का विशेषण क्या होगा, मतलब पत्थर है और उसका विशेषण बताना है, जो कि उसका विशेषता बतलाएगा, तो उसका हो जाएगा पत्थरीला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पत्थरीला, ऐसा नहीं पत्थर दिल कर देना है, ठीक है, विशेषण पूछा है, पत्थरीला हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत शब्द का विशेषण क्या होगा, भारत है और भारत से क्या बनेगा, भारत से क्या बनता है, भारतीय, हम लोग क्या है, भारतीय, तो भारत शब्द का विशेषण होगा भारतीय, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, जीव जंतु शब्द कौन सा समास है, तो देखिए समास का ट्रिक होता है, किसी के भी दो शब्द हो उसके बीच में हाइफन आए, ठीक है, हाइफन आएगा तो हो जाएगा द्वंद समास, जैसे माता पिता खाना पीना ऐसे में हम लोग हाइफन लगाते हैं ना, तो जितना में भी हाइफन आएगा उसका ट्रिक होता है, वो सब हो जाता है द्वंद समास, यानी कि दो से मिला हुआ, ऑप्शन नंबर डी 42 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, नीलांबर शब्द कौन समास है, नीलांबर, देखिए नीलांबर मतलब ऐसा दो शब्द से मिला हुआ और जिसका अर्थ बदल जाए, ठीक है, तो वो हो जाता है कर्मधारय समास, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय। अब देखिए भरपेट, भरपेट शब्द कौन सा समास है, भरपेट शब्द कौन सा समास है, अव्यवी भाव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, अव्यव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, चिरीमार शब्द कौन सा समास है, चिरीमार शब्द क्या है, द्विगु समास, चिरीमार, ठीक है, अलग अलग है तो इसका हो जाएगा द्विगु समास। अब देखिए 46, सभा शब्द में कौन सा लिंग है, आप पूछ रहा है लिंग निर्णय, ठीक है, स्त्रीलिंग पुलिंग उभयलिंग या फिर कोई नहीं, ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि क्या है, तो सभा शब्द में कौन सा, सभा मतलब कि सभा बुलाई गई, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है अगला 47 नंबर, जल शब्द कौन सा लिंग है, जल शब्द में लिंग निर्णय करना है, तो लिंग निर्णय इसका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन है दल शब्द कौन सा लिंग है, दल भी होगा स्त्रीलिंग। अगला है रुमाल शब्द कौन सा लिंग, रुमाल में क्या हो जाएगा, पुलिंग, ठीक है, याद रखिएगा रुमाल हो जाएगा पुलिंग। और फिर है उपसर्ग का क्वेश्चन, उपसर्ग कहने का मतलब प्रीफिक्स जो कि पहले आएगा, ठीक है, तो उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग में यानी कि पहले वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो पहले लगा है, तो उपवन में क्या लगा है, पहले उ लगा है प लगा है, तो उसमें देखना है कि उ और प दोनों होगा, लेकिन उपसर्ग में होता है जो पहला ऐसा चीज है जो कि एक अव्यय हो और फिर बाद का एक शब्द हो, तो हम लोग इसमें देखेंगे तो उ एक अलग चीज हो जाएगा और पवन, पवन एक अलग चीज है, पवन एक शब्द होता है, तो उसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उ, और जो पवन उपसर्ग हो गया इसका उ। ईमान शब्द में उपसर्ग क्या है, ईमान में ई अलग हो गया और मान एक अलग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही है, ई दीर्घ ई, कहीं कहीं पे हर्षी दे देगा तो आप लोग फ्लो फ्लो में हर्षी मत लगा दीजिएगा, देखिएगा इसमें दीर्घ ई है तो दीर्घ ई होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है, सुकर्म यानी कि कर्म और उसके पहले लगा है सु, तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी हो जाएगा सु उपसर्ग। अब पूछा है प्रत्यय, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय क्या है, ठीक है, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इसमें क्या लगा, प्रकाश जोड़ इत, प्रकाश एक शब्द है और उसमें क्या लगा है इत, ठीक है, तो उसका प्रत्यय हो जाएगा इत, इत देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। पठनीय शब्द में प्रत्यय क्या है, अब देखिए पठन, पठन एक चीज होता है उसमें क्या लग गया ईए, तो पठन से क्या बन गया पठनीय, तो इसमें प्रत्यय क्या हो गया ईए, इसमें देखिए दीर्घ ई दीर्घ नहीं है तो पठन और हर्ष ई को मिला है तो दीर्घ ही बनना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 54 का।
55 है, पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है, पंकिल देखिए पंक और इसमें क्या लगा इल, तो इसमें देखिए इल कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी 55 का डी। उपसर्ग प्रत्यय बहुत ही आसान होता है, आप लोग पूरा का पूरा सही करके आ सकते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, 3 हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी में। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद है, तो संज्ञा के 5 भेद हैं, ऑप्शन नंबर ए। हमेशा रहने वाला जो कि हमेशा रहता है उसको क्या बोलते हैं, हमेशा रहने वाले को शाश्वत, जो सब कुछ जानता हो, अनेक शब्दों के एक शब्द है यह सब, आप लोग इसको भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर बी। ईश्वर पर विश्वास रखने वाला, जो कि आदमी ईश्वर पे गॉड पे अल्लाह पे विश्वास रखता है उसको बोलते हैं आस्तिक, ऑप्शन नंबर बी, और जो नहीं रखता उसको बोलते हैं नास्तिक। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन विधा है, तो बालकृष्ण जो है बालकृष्ण भट्ट जी जो है जो लिखे हैं बातचीत वह कैसा विधा में लिखे हैं, कौन सा टाइप है, तो हो जाएगा ललित निबंध, ठीक है, उनका एक निबंध लिखा हुआ है। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो जयप्रकाश नारायण को क्या मिला था, भारत रत्न, ऑप्शन नंबर डी। दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, दिनकर कहने का मतलब रामधारी सिंह दिनकर, तो दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ की पंक्ति है, तो 3 बज गए ये सब क्या है, रोज, आप लोग रोज कहानी पढ़िएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। 64 का हो जाएगा ए। केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, किस पाठ की उचित किस पाठ की उक्ति है, यानी क्या मतलब किस पाठ से यह चीज लिया गया है, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक लेख और एक पत्र। अगला क्वेश्चन है परंपराशील नाट्य किसने लिखा है, तो परंपराशील नाट्य जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो मोहन राकेश का जन्म हुआ था 1925 में, ऑप्शन नंबर सी। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है, दूसरी परंपरा की खोज रचनाकार है नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर ए। जायसी के पिता कौन थे, जायसी मलिक मोहम्मद जायसी, उनके पिता का नाम क्या था, मलिक शेख ममरेज, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 है आखिरी कलाम के रचयिता कौन है, तो आखिरी कलाम के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर सी। 71 नंबर है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, सूरदास जो कि ब्रजभाषा में लिखते थे उनके दीक्षा गुरु के बारे में पूछा है, तो उनके दीक्षा गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी। तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था, तुलसीदास जो थे वो अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्रगाढ़ प्रेम में थे, इसलिए उन्होंने घर का त्याग ही कर दिया था, तो पत्नी के प्रगाढ़ प्रेम से उन्होंने घर का त्याग किया था, ऑप्शन नंबर डी 72। क्वेश्चन नंबर 73 है भगति विमुख जे धर्म सो अब अधर्म करी गए, किस कवि ने कहा है, किस कवि ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी नाभादास। भूषण की भाषा कौन सी थी, तो भूषण भी ब्रजभाषा में ही लिखते थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 74 का। 75 है चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है, चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए 75। किसकी रचना है आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व परछाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ है पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77 निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने किस चीज की रचना की थी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जन जन का चेहरा एक, ठीक है, जन जन का चेहरा एक करके उन्होंने लिखा था एक रचना। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ फिर व्याकरण शुरू हो गया है। 78 नंबर क्वेश्चन है दूध शब्द कौन सा संज्ञा है, तो दूध क्या है, एक द्रव्य है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं ना, मतलब माप सकते हैं तौल सकते हैं, तो इसलिए क्या आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। 79 देखिए मित्रता शब्द कौन सा संज्ञा, मित्रता कहने का मतलब कि हम लोग भाव दिखाते हैं कि मेरा मित्र है या मेरा दोस्त है दुश्मन है, तो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी। सभा शब्द कौन सा संज्ञा, सभा कहने का मतलब हम लोग बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं किसी चीज पे मीटिंग करते हैं, यानी कि हो जाता है ग्रुप वाला ना, यानी कि समूह में, समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। फरवरी शब्द कौन सा समास है, फरवरी कह रहे हैं तो फरवरी कहने का मतलब सिर्फ एक फरवरी, मतलब एक पार्टिकुलर चीज को नहीं दिखा रहे, उस फरवरी में जितना सारा दिन आता है उस सब उसे इंडिकेट होता है, तो हो जाएगा एक जातिवाचक, ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची क्या है, पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो स्फूर्ति मतलब ऊर्जा होता है, आपूर्ति मतलब ऊर्जा होता है, उर्ज मतलब ही होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शक्ति, शक्ति मतलब अलग चीज होता है।
ओंठ चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ओंठ चबाना, ओंठ चबाना मतलब क्रोध पकड़ करना, ठीक है, जैसे गुस्सा होते हैं तो एकदम लिप चबाते हैं ना, उसी को बोला गया था, ओंठ चबाना का क्रोध प्रकट करना, ऑप्शन नंबर सी। खून का घूंट पीना, खून का घूंट पीना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा रहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, गुस्सा बहुत है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, मतलब क्या, खून का घूंट एकदम पी लिए, गुस्सा पचा जाना, ऑप्शन नंबर बी। टेढ़ी खीर होना, बोलते नहीं कि एकदम टेढ़ी खीर बन गया है, ये चीज अब मेरे से नहीं होगा, यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, मुश्किल यानी कि कठिन, ऑप्शन नंबर ए, चल 85 का हो जाएगा ए। मुट्ठी में करना, जैसे मेरे मुट्ठी में है ना, यानी कि वश में कर लेना, बोलते नहीं कि वो उसको एकदम मुट्ठी में कर लिया है, तो उसके कहने का मतलब होता है कि उसको वश में कर लिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, वश में करना। हंसी खेल समझना, मुहावरे का, मुहावरा बहुत ज्यादा पूछा है तो आप लोग मुहावरे को बिल्कुल याद करें। हंसी खेल समझना यानी बोलते हैं कि एकदम हंसी खेल समझ रहा था लेकिन इसे कुछ हुआ नहीं, यानी कि बहुत ही आसान समझ रहा था, तो आप लोग भी बिहार बोर्ड को एकदम हंसी खेलना समझे, मन लगा के पढ़ाई करें। हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ होगा हास परिहास में नाराजगी होना, साधारण काम समझना, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88, लाजवाब शब्द कौन सा समास है? देखिए समास क्या है, इसमें एक है ला लगा हुआ है अव्यय और लाजवाब, तो यह हो जाएगा अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा 89, तिरंगा शब्द कौन सा समास है? तिरंगा शब्द में समास पूछा है, देखिए जिसके एक दो तीन चार ऐसा कुछ है जिसके भी स्टार्टिंग में, तो वह सब क्या हो जाता है, द्विगु, ठीक है, तो तिरंगा में मतलब तीन रंग वाला, तिरंगा कहने मतलब तीन रंग वाला, तो एक दो तीन वाला कुछ है, तो ऑप्शन नंबर ए द्विगु सही आंसर हो जाएगा। अब वही है चतुरानन, चतुरानन देखिए चार आनन वाला, यानी कि जिसका चार सिर हो, तो जिसके चार सिर हो लेकिन इसका अर्थ बदल जाता है, हम लोग ब्रह्मा जी के लिए यूज करते हैं ना चतुरानन, तो जो अर्थ बदल दे वो हो जाता है बहुव्रीहि, ठीक है, नहीं तो अगर ये अर्थ नहीं बदलता तो हो जाता कर्णधारय, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बहुव्रीहि 90। अब रोग पीड़ित यानी कि जो रोग से पीड़ित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो रोग पीड़ित में मतलब हम लोग नॉर्मल किसी के लिए भी यूज करते हैं, क्या क्या है, रोग पीड़ित है, किसी अर्थ नहीं बदलता है तो बहुव्रीहि नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92 है, आयात शब्द का विलोम क्या होगा, आयात के क्या बोलते हैं, आयात मतलब आना, निर्यात मतलब जाना, तो कुछ भी आता है तो आयात हो रहा है और हम लोगों से उसको दूर जाता है तो निर्यात, आयात को उल्टा हो जाएगा निर्यात, ऑप्शन नंबर सी। नास्तिक शब्द का विलोम अभी बताया था ना, आस्तिक और नास्तिक, तो नास्तिक मतलब जो ईश्वर पर भरोसा ना रखता हो और आस्तिक मतलब जो ईश्वर पर भरोसा रखता हो, तो ऑप्शन नंबर ए आस्तिक। उमस, उमस मतलब बोलते हैं गर्मी के टाइम एकदम उमस भर गया है, तो उमस कहने मतलब बहुत ही गर्मी है, इसका पूछा है विलोम तो ठंडक, ऑप्शन नंबर ए। गरीब शब्द का विलोम क्या है, गरीब का विलोम यानी कि उल्टा, तो गरीब का अमीर बहुत इजी था, जिसके सिर पर चंद्रमा है, जिसके सिर पर चंद्रमा यानी कि चंद्रशेखर, शिखर मतलब होता है ऊंचा ऊपर यानी कि उसके माथे पर, और चंद्र मतलब चंद्रमा, चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर ए। देखिये क्वेश्चन नंबर 97, जिसके हाथ में चक्र है, जिसके हाथ में चक्र है उसको क्या बोलेंगे, चक्रपाणि, और जिसके हाथ में वीणा होता है उसको बोलते हैं वीणापाणि, ऑप्शन नंबर डी। गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र को बोलते हैं दत्तक पुत्र, ठीक है, यानी कि जो जो बच्चा खुद का नहीं होता है किसी अदर का होता है और गोद लेके उसका पालन पोषण किया जाता है उसको बोलते हैं दत्तक पुत्र। ज्ञानोदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो ज्ञान जोर उदय तो ज्ञानोदय, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ज्ञान जोर उदय तो अ और उ मिलके बन गया ओ, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन है पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद क्या है, तो पुरुष जोर उत्तम अ और उ मिलके बन जाएगा ओ, तो पुरुष जोर उत्तम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप क्या करें, इस 100 क्वेश्चन को देख लिए और एक बार फिर से क्या करें, दोबारा इस पूरे 1 से लेकर 100 तक के वीडियो को देख ले, तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, और आप लोग चाहे आप साइंस के बच्चे हो या कॉमर्स के, आप लोग एक बार आर्ट्स का भी वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम ही है, तो आप लोग जितना ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाएगा तो उतना वहां पे बेनिफिट होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन इससे टकराने का भी चांस है इस बार। और भी आपको कोई किस चीज में दिक्कत हो तो आप लोग उसको कमेंट करें, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। थैंक यू।